अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप खैरियत से होंगे। और आज हम देखें बनाने जा रहे हैं इसमें खिचड़ी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, उसे थोड़ा गर्म होने देंगे। और यहाँ पर हमने मसाले जो हैं उसे सब कट करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए 2 ग्रीन चिली, प्लस यहाँ पर लिए है कड़ी पत्ता, ऑनियन, टमाटो, और मेरे पास ये वेजिटेबल है तो मैंने इसे भी ले लिया है, गाजर। और यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो यह है गरम मसाला, यह है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पर हमने तड़के के लिए दिया है जीरा, कलौंजी और राई। तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैंने कुछ हल्के फुल्के गरम मसाले यूज़ करे हैं, तो इसमें यहाँ पर लिया है मैंने 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्च लिए हैं, 1 बड़ी इलायची है, करण फूल है, 2 इलायची है और 3 लौंग है। तो ये जो है खड़े मसाले, इसे हम सबसे पहले ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम यहाँ पर खड़े मसाले जो है वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है हमारे राई, जीरा वगैरह, उनका तड़का लगाएंगे। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और ऑनियन। तो यहाँ पर जो है हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन, हल्की हल्की होने लगी है, पिंकिश कलर आने लगा है इसमें। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जी यहाँ पर ये 1 टीस्पून जो है वो भर के हम, और थोड़ा सा और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन को जो हमने सॉटे कर दिया है, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर। तो इसे भी हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, टमाटरों को थोड़ा सा डीप कर पकाएंगे। यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले जो हमने निकाल के रखे हैं, धनिया, मिर्ची, नमक और हल्दी, ये सब ये डाल। तो जी मसालों को फ्राई करने के बाद इसमें डालना है हमें कैरेट, गाजर, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और हल्का सा इसे सौते होने देंगे। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने लिया है कनकी ली है, तो मैंने इस ग्लास से 1.5 ग्लास कनकी ली है, प्लस 1 ग्लास यहाँ पर मैंने तो मूंग की दाल लिया है। तो इन दोनों को हम अच्छे से, इसके बाद हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है अभी फ़िलहाल, हम इतना पानी चेक कर लेते हैं। अब इसमें ऑयल आने देंगे, तो इसमें बॉयल आ गया। यहाँ पर डालेंगे हम आलू, आलू के बाद हम धनिया भी डाल देंगे इसमें, और जो चावल हमने भिगो के रखे हैं, ये देखिए ये चावल और दाल जो हमने रखी है भिगो के, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम चम्मच चला देंगे और इसे अब हम 2 से 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। और देखते हैं कि हमारा जो है खिचड़ी हुई या नहीं। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी जो है बनके रेडी हो चुकी है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखें बहुत ही अच्छी बनी है। हम इसे सर्व करते हैं खिचड़ी को। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, साथ में हम इसे सैलेड रखेंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पर सैलेड रखेंगे, इसके ऊपर डालेंगे हम घी। तो ये हमारी खिचड़ी हो गई है रेडी बच्चों को देने के लिए, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है।